जहन दोस्तों, आज बात करूंगा टोल प्लाजा को लेकर एक आर्मी हेडक्वार्टर से एडवाइजरी निकली है। आर्मी हेडक्वार्टर से यानी हर जगह इस चीज को लेकर विवाद रहता है, चाहे हमारा सेना का कोई अधिकारी हो, चाहे जेसू है, जवान है, फैमिली के साथ जा रहा है, टोल प्लाजा वाले चिक चिक करते हैं, चाहे वो दादागिरी भी कर रहे हैं। यानी वो अब किसी भी, आप फौजी हो, एक्स सर्विसमैन हो, या आप रिटायरी हो, या फौज का सामान लेके ट्रक लेके जा रहे हो, उन्हें तो मतलब है कि अब कोई भी निकले, सिर्फ उनके मतलब कोई नेता हो या पुलिस वाले हो, उनको तो सलूट मार के छोड़ देंगे, लेकिन सलूट हमको नहीं मारेंगे, हमको तो वो परेशान करेंगे। जबकि एडवाइजरी क्या है कि सैनिकों का सम्मान किया जाए टोल प्लाजा पे। इसलिए एक ये लेटर निकला है, 25 अगस्त का है, और कहां कहां सर्कुलेट किया जा रहा, हम इसके बारे में आज बात करना चाहेंगे, क्योंकि लेटेस्ट है 25 अगस्त। हाँ जी, ये है, आप समझ सकते हो, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी आर्मी, डायरेक्टर जनरल ऑफ लॉजिस्टिक एंड स्टेट मूव ट्रेवल सेक्शन TN सेल न्यू दिल्ली 110011 25 अगस्त का एक है। ऑल हेडक्वार्टर ऑन कमांड्स के लिए भेजा गया है एडवाइजरी, एग्जम्पशन ऑफ टोल फी टू प्राइवेट व्हीकल्स ऑफ डिफेंस पर्सनल, यानी सर्विस पर्सन की प्राइवेट व्हीकल्स भी टोल फ्री है, एग्जम्प्टेड है। हाँ जी दोस्तों, आप पढ़ सकते हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि उन्होंने आरटीआई का क्या जवाब दिया है। जब ये आज जवाब है तो इसको मैं सच मानूंगा, और ये लेटर अपने पास रखना, देखते हैं आगे क्या निकल के आता है, शायद कोई बात बनी है। द इंडियन टोल आर्मी एयरफोर्स एक्ट 1901 एग्जम्प्ट्स ऑल सर्विस पर्सन रेगुलर फोर्सेस फ्रॉम पेमेंट टू टोल फी अक्रॉस द कंट्री। द सेम इज बीइंग ग्रांटेड ऑन प्राइवेट व्हीकल्स ऑफ डिफेंस पर्सन ऑन प्रोडक्शन ऑफ आई कार्ड। हाउएवर देयर हैव बीन रिसेंट इंसिडेंट ऑफ डिनियल ऑफ द सेड प्रिविलेज रिपोर्ट फ्रॉम टोल प्लाजा स्पेशली ऑन न्यूली कंस्ट्रक्टेड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। यानी उन्होंने कहा है कि 1901 जो आर्मी और एयरफोर्स एक्ट है उसके साथ हमारा टोल एग्जम्प्टेड है, एंड टोल नहीं लगना चाहिए था। द सेम इज बीइंग ग्रांटेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स डिफेंस पर्सन, और इसी तरह कोई भी प्राइवेट वाहन, कोई भी डिफेंस यानी सर्विस पर्सन आई कार्ड दिखाता है तो उसको भी छूट मिल रही है। दे हैव बीन रिसेंट इंसिडेंट, कुछ चीजें नोटिस में आई है, कुछ घटनाएं नोटिस में आई है, स्पेशली उन्होंने कहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हाईवे पे, जहां पर टोल वाले फौजियों के साथ मनमानी कर रहे हैं, फौजियों के साथ मनमानी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है कि इसको इन व्यू ऑफ द अबो कमांड्स आर रिक्वेस्टेड टू सैनिटाइज ऑल रैंक टू अवॉइड एनी अल्ट्रैक्शन विद टोल स्टाफ। यानी सभी कमांड्स को निर्देश दिया जाता है कि अपने ट्रुप्स को बताएं कि टोल स्टाफ से जाके झगड़ा बगड़ा ना करें। इन सच केसेस द टोल टैक्स बी पेड बाय द इंडिविजुअल एंड मैटर बी रिपोर्टेड बाय DGOLASM थ्रू फॉर्मेशन चैनल फॉर अप्रिएट एक्शन इन आर एंड। यानी कुछ ऐसा होता है तो उसका प्रॉपर आप पर्ची कटाएं और उनके लिए आप शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, और इसमें साइन लिखा है कॉपी टू ऑल IDS एडमन कोर्ट डायरेक्टर पर्सन CUS DCUS MG ब्रांच। यानी ये 25 अगस्त का है और ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अभी हम इसकी पूरी तरह पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ये लेटर है, मैंने आपके साथ शेयर किया। जैसे ही इसका और इसके बारे में जानकारी निकल के आएगी, इस पर टेलीफोन नंबर भी है 33038, आप दिल्ली में नजदीक है तो टेलीफोन भी लगा के आप बात कर सकते हैं, और ये वो कंसर्निंग सेल है जो इन सब चीजों को देखती है। और आप अब ये बात है कि आपके साथ कुछ होता है, आई कार्ड दिखाने से आप सर्विंग सोल्जर है, इसमें रिटायर्डीज का कोई नाम नहीं लिया है। जैसा आपने देखा होगा अभी मध्य प्रदेश के अंदर एक फौज का सामान है जो कानपुर से पूना की तरफ जा रहा है, फौजी पैकेज वहां भी रोक के रखा है, ट्रक रोक लेते हैं। यानी टोल प्लाजा पे लगभग वहां काम करने वाले भी शायद हो सकते हैं कुछ फौजियों, लेकिन ये व्यवहार दुर्व्यवहार में बनता जा रहा है, जहां पर नए नए एडवाइजरी निकलती है कि सैनिकों को सम्मान किया जाए, सैनिकों को सलूट किया जाए। आखिर कई जगह इसके ऊपर बहस चल रही है, हर एक लेवल पे चल रही है, और जो हाईवे अथॉरिटी से उनको बराबर चिट्ठी लिखी जा रही, मामला पूरा संज्ञान में, लेकिन क्लियर कट कोई डिसीजन लेने के लिए आगे नहीं आ रहा है। सरकार की मंशा क्या है आप समझ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।